नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। आज क्रिसमस का त्यौहार है। चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क सभी चंबा वासियों को क्रिसमस की बधाई देता है। आज क्रिसमस का त्यौहार पूरे दुनिया भर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कोरोना को ध्यान में रखते हुए कोरोना नियमों का पालन करते हुए इस बार इस दिन को मनाया गया। इस दौरान चंबा चर्च में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रार्थना सभा के साथ बच्चों द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। इस दौरान सभी से ईसा की राह पर चलने की बात कही गई। इस दौरान चंबा चर्च के पादरी के साथ सेंटा क्लॉज बने अनिल कुमार ने सभी को क्रिसमस की बधाई देते हुए सभी से इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने की बात कही। इस कोरोना से हमें बचे और कि कोरोना वायरस बहुत जल्द खत्म हो जाए। मैं पादरी शमशेर मसीह सिनाई चर्च चंबा की पादरी, आप सबको ये क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो और प्रभु का पैगाम आज के लिए कि सब लोग शांति का जीवन पाएं, आशीष भरा जीवन पाएं, सब लोगों के संग में प्यार हो, एकता हो, मेल मिलाप हो। और हमारा प्रभु हम लोगों को यही पैगाम देता है कि हम लोगों को इस संसार के अंदर सब लोगों को मिलकर रहना है, सब लोगों को एक दूसरे का दुख सुख बांटना है और सब लोग प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की तारीफ करें। आप सबको एक बार फिर से हैप्पी क्रिसमस एंड आने वाला साल जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। ये 38 साल हो गए, मैं अनिल कुमार बोल रहा हूँ। 38 साल हो गए मुझे बनते हुए सांता क्लॉज, और बच्चों के साथ और हर धर्म और हर जाति के साथ हम मिलकर मनाते हैं। चंबा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर धर्म के लोग हर त्यौहार को इकट्ठे मेलजोल के साथ मिलजुल कर मनाते हैं, और इस बार भी हम उसी ढंग से मनाने जा रहे हैं और मना भी रहे हैं। पर ये है कि इस बार जैसा सरकार ने गाइडलाइन किया है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, मास्क जरूर पहने हैं, मास्क मैंने पकड़ा है पर इंटरव्यू के लिए मैंने खोला है थोड़ी देर के लिए, तो हम मना रहे हैं और सब एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिले हैं। इस बार चर्च में भी उस ढंग से नहीं मनाया जा रहा है जैसे कि पिछले सालों से मनाया जा रहा था, क्योंकि ऐसी महामारी फैली है जिससे सब तकलीफ में है, सब परेशानी में है। तो हम विनती करते हैं उस प्रभु से, उस मालिक से, उस खुदा से कि वो इस सारी बीमारी को, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो इसे भी दूर करेगा और आने वाला साल जो है वो हम सब खुशियों और आनंद के साथ मनाएं और हर किस्म की दुख तकलीफ़ और बीमारी हमारे मुल्क से, हमारे शहर से और पूरी दुनिया से ख़त्म हो, ताकि लोग फिर से एक दूसरे से मिलकर सुकून और चैन के साथ त्यौहारों का आनंद ले सके और एक दूसरे के साथ मिल सके। आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।